नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इन। तो चलिए दोस्तों, आज की ताजा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। तो कोरोना वायरस हरियाणा, तो हरियाणा में सभी स्कूल 30 नवंबर तक बंद। छात्रों के पॉजिटिव मिलने के बाद बड़ा फैसला, कोरोना रिटर्न देश में दोबारा लौटा कोरोना का कहर। तो एक बार फिर अलग अलग राज्यों में लिमिटेड लॉकडाउन पर चर्चा कर। जम्मू के नगरोटा में मारे गए आतंकी कुछ बड़ा करने के फिराक में थे, तो पीएम ने की रिव्यू मीटिंग। यूपी में लेखपालों के खाली में जो है पदों पर भर्ती को लेकर योगी सरकार ने दिया ये आदेश। तो वेदर अलर्ट, तो अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बारिश बर्फबारी के आसार बढ़ेंगी सर्दी, तो देखे नाम। तो दोस्तों चलिए एक एक करके 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो पढ़ते अपने पहले खबर की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला खबर है, तो बिहार में छठ पर जो है घाटों पर उमड़ी भीड़। तो सूप में फल ठेकुआ सजाकर श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ। तो छठ महापर्व की आस्था बिहार के घाटों पर बिखर गई है। तो घाटों पर हर तरफ श्रद्धालु दिखे और महापर्व मनाया गया। तो पटना में गंगा घाटों पर श्रद्धालु सूप पर फल ठेकुए जो है कसार सजाकर पहुंचे। इन्हें मैया को अर्पित किया गया। तो श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। तो कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो पटना के घाटों पर भीड़ उमड़ी, लोग मास्क पहने नजर आए। तो दोस्तों वहीं पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। तो घाटों पर ही जो है चाट मंडपों की दुकानें सजी, सेल्फी का दौर भी लगातार चला। तो शहर के पार्कों में भी जो है तालाबों में भी लोगों ने छठ का पर्व मनाया। तो ज्यादातर जगहों पर घरों और अपार्टमेंट्स की छत पर भी पर्व मनाया गया। तो मनाही के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी की। तो दोस्तों हमारा अगला खबर है, तो एक व्यक्ति को छोड़कर जो है पूरा गांव संक्रमित। भूषण के घर में एक ही मुख्य द्वार तक खिड़की से आते जाते हैं, ऐसे बिता रहे हैं दिन। तो हिमाचल के जो है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के जो है थोरंग गांव के भूषण ठाकुर के संदर्भ में खबर प्रकाशित होने के बाद वह सुर्खियों में आ गए हैं। तो भूषण ठाकुर जो है थोरंग गाँव में अकेले ऐसे शख्स है जो निगेटिव आया है। पूरा गाँव सामुदायिक संक्रमण की चपेट में आया है। तो भूषण को वायरस छू नहीं पाया है। अमर उजाला से जो है बातचीत में भूषण ने बताया है कि पूरा गाँव संक्रमित होने के कारण वह जो है कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। परिजनों समेत जो है गाँव के सभी लोग संक्रमित होने के कारण घर की चार दीवारी के भीतर कैद हो गए हैं। भूषण के घर में अंदर जाने का एक ही मुख्य द्वार है, लिहाजा अपने घर में जो है जाने के लिए भूषण खिड़की का सहारा लेते हैं। खिड़की से ही अंदर बाहर जो है निकलते हैं। कहा गया है कि गांव में बातचीत करने का कोई नहीं है, वही दोस्तों लिहाजा वह अपने बगीचे में जाकर सेब के पेड़ों की प्रूनिंग करते हैं, भेड़ बकरियों और गाय को चारा देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है, तो कोरोना वायरस हरियाणा। तो हरियाणा में सभी स्कूल 30 नवंबर तक बंद। छात्रों के पॉजिटिव मिलने के बाद बड़ा फैसला, तो हरियाणा के जो है सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रों के जो है कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जो है सरकार ने 30 नवंबर तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। वही राज्य में जो है कोरोना के बढ़ते मामले और छात्रों के स्वास्थ्य चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जो है सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 2 हफ्ते बंद रखने का फैसला लिया है। वही 30 नवंबर तक स्कूलों में जो है छात्रों के अलावा अध्यापकों के भी आने पर मनाही रहेगी। इस दौरान सभी स्कूलों परिसरों के अच्छे से सैनिटाइज किया जाएगा और फैसले का उल्लंघन पर स्कूल प्रमुख जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अगला खबर है, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से जो है 20 और मरीजों की मौत। संक्रमण के जो है 2,858 नए मामले सामने आए। तो उत्तर प्रदेश में जो है कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। जिन जिलों में तेजी से केस बढ़ रहे हैं उनमें मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद शामिल है। साथ ही राज्य में कोविड रोगियों की मृत्यु संख्या में भी इजाफा हुआ है। तो सक्रिय मामलों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 23,357 हुई। अब तक जो है 7,500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो राज्य में जो है वही 2,858 नए मामले सामने आए और 20 लोगों की मौत हो गई है। वही 2,200 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। नए मामलों के साथ जो है राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,91,131 हो गया है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। यूपी में लेखपालों के जो है खाली भर्ती पर जो है खाली पदों पर भर्ती को लेकर योगी सरकार ने दिया ये आदेश। तो उत्तर प्रदेश के 4 मंडलों आगरा, सहारनपुर, मेरठ और बरेली के मंडलायुक्त लेखपालों के खाली पदों पर भर्ती रोड़ा बने हुए हैं। तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने मंडलायुक्त की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 2 दिन के अंदर जो है संबंधित मंडलायुक्त से अपने हस्ताक्षर से लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती संबंधी जो है प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो बिहार में होने वाली है बंपर भर्तियां। तो नए साल में 2 लाख नौकरियों के आसार, तैयारी में जुटी सरकार। तो नए वर्ष में बिहार में जो है बड़ी संख्या में नौकरी मिलने वाली है। यह संख्या जो है 2 लाख के जो है आसपास होगी। इसमें सहायक प्राध्यापक, शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दरोगा, सिपाही समेत जो है दर्जनों जो है पद शामिल है। इसके अलावा राज्य जो है सरकार कई नियुक्तियों की भी तैयारी में जुट गई है। तो नई जो है रिक्तियां आने पर हजारों पद का जो है इजाफा होने की संभावना है। तो बिहार सरकार में जो है वर्ष 2021 बड़ी संख्या में स्थायी नियुक्ति होनी है। तो बहाली की प्रक्रिया जारी है, कुछ ही महीनों में इसके जो है इसको पूरा होने की संभावना है। तो शिक्षा विभाग में जो है 4,600 से ज्यादा सहायक प्राध्यापक और स्वास्थ्य विभाग में 3,270 आयुष चिकित्सक के अलावा वही 1,600 से अधिक जो है इंटरपदीय पद और 1,050 कनीय अभियंता पद जो है दोस्तों खाली है। तो इसके लिए जो है जाने वाले संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिताओं के आधार पर मिलने वाले सैकड़ों नौकरियों शामिल है। तो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी 3,000 शिक्षक के पद खाली है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा अगला खबर है, तो कोरोना रिटर्न। तो देश में दोबारा लौटा कोरोना का कहर। एक बार फिर जो है अलग अलग राज्यों में लिमिटेड लॉकडाउन पर चर्चा गर्म। तो कोरोना का जो है
बम फिर से फूट गया है तो देश भर में जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई राज्यों में जो है लिमिटेड लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चा गर्म है, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब जो है मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वही कोरोना संकट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आज दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है, तो जो है गुजरात के अहमदाबाद शहर में आज रात से जो है 2 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये कर्फ्यू भले ही 2 दिनों के लिए है, लेकिन लोगों में जो है फिर भी डर बना रहा है कि कहीं ये कर्फ्यू आगे बढ़ा न दिया जाए, तो इसी वजह से अहमदाबाद के बाजारों में भी आज जो है काफी भीड़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस पर अगला सवाल, तो अगले 24 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश बर्फबारी के असर बढ़ेगी सर्दी, तो देखे ना तो नवंबर के तीसरे सप्ताह में अब जो है सर्दी बढ़ गई है। 2 दिन पहले जो है अरब सागर से एक समुद्री तूफान उठने की संभावना थी, लेकिन अब जो है उसकी दिशा बदल दी गई थी। हालांकि इस देश में मौसम बदल रहा है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 24 घंटे से 24 से 36 घंटों में राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, तो यह जो है बारिश हल्की से लेकर तेज स्तर की देखी जाएगी। तो इस बारिश के चलते जो है सर्दी भी बढ़ेगी, साथ ही बर्फबारी की आशा है। स्क्वायरमेट वेदर के अनुसार जो है वैज्ञानिकों ने जो है उत्तर भारत का मौसम बदल सकता है। यहाँ पर जो है एक नया पश्चिम विक्षोभ आएगा और इसके चलते श्रीनगर, शिमला, उत्तरकाशी समेत कई शहरों में भारी बारिश और जो है बर्फबारी होगी। तो मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक इसका कोई विशेष असर नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला खबर है, जम्मू के नगरोटा में मारे गए आतंकी ने जो है कुछ बड़ा करने की फिराक में थे, तो पीएम ने की रिव्यू मीटिंग। तो जम्मू कश्मीर के नगरोटा में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य जो है अजीत डोभाल और विदेश सचिव और खुफिया एजेंसी के टॉप अफसरों के साथ बैठक की है। बैठक में एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि आतंकी जो है संगठन 26/11 की बरसी पर कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो फर्जी बैंक कर्मी बनकर ठगी, योनो ऐप से जो है लोन का आवेदन करते ही आया कॉल, 11 शिक्षक से 42 लाख की ठगी। तो जबलपुर स्टेट साइबर सेल कर रही है जांच, तो भारतीय स्टेट बैंक के जो है 11 खाताधारकों से एक स्टाइल में 42 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्रकरण जो है शहडोल और उमरिया जिले के 3 SBI शाखाओं से जुड़ा है। तो ठगी के इस जो है पूरे जो है प्रकरण में समानता यह है कि सभी पीड़ित शिक्षक के सभी ने SBI के योनो ऐप के माध्यम से लोन, क्रेडिट कार्ड व चेकबुक आदि के लिए आवेदन किया था। इसके बाद जालसाज ने बैंक कर्मी बनकर जो है झांसे में लिया और उनके खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए। वही हाई प्रोफाइल ठगी की जांच जो है स्टेट साइबर सेल जबलपुर जोन की टीम जो है कर रही है। सेल में जो है तीनों बैंक कर्मियों और योनो ऐप से जुड़े लोगों की सूची मांगी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।